ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 70। अध्येष्यते च य इमं धर्मयं संवादं मावयो ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम इति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इसके पहले दो श्लोक बड़े इम्पोर्टेंट रहे, जिसमें भगवान ने बताया या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशो विधाश्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यते संचय। यानी कि जो इस परम रहस्य को बताता है भक्तों को वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। उसके बाद बताया भगवान ने कि इस संसार में उससे अधिक प्रिय मुझे कोई हुआ ही नहीं है। और एंड मैं घोषित करता हूँ कि जो इस संवाद का अध्ययन करता है, तो पहला तो भगवान को सबसे प्रिय कौन है जो इसको दूसरों को बताता है? भगवान जानते हैं कि दूसरों को बताने से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद अक्सर इस बात को बोलते थे कि आप पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो हमारी सबसे प्रमुख कार्य है भक्तों का, वो है पुस्तक वितरण। प्रचार का एक बेस्ट मेथड पुस्तक वितरण। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि पुस्तक वितरण तभी तो बेटर हो पाएगा जब आपने उन किताबों को पढ़ा होगा, तब आप मोर कन्विंसिंगली बता पाओगे कि यस इस किताब में सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। यहाँ पे देखिए ये श्लोक है, यहाँ पे देखिए ये, इसमें ये बताया, इसमें बताया, आप एग्जांपल दे पाओगे, आप चित्रों को बता पाओगे। तो जिस प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया हो खुद से, उसको बेचने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उस आइडिया को बेचने में ज़्यादा आसानी रहती है। दूसरा, कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद कहते थे कि मैं हमेशा जिंदा रहूँगा अपनी पुस्तकों में। इस प्रकार प्रभुपाद आज भी जीवित हैं, वैसे भी जीवित हैं, तो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, लेकिन अपनी पुस्तकों के माध्यम से इस भौतिक जगत में वो आज भी हैं, रोज़ हमें गाइड कर रहे हैं। प्रभुपाद ने इतना पेन जो लिया वो केवल इन पुस्तकों को ट्रांसलेट करने के लिए लिया। उनको जो गुरुदेव, उनके जो गुरु थे इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी उनको ये आदेश दिया, यदि तुम्हारे पास कभी धन आएगा तो उस धन से तुम पुस्तकों को ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि उस वक्त तक पुस्तकें संस्कृत में या बंगला भाषा में ट्रांसलेट की गई थी और संसार की जो प्रचलित, मोस्ट प्रचलित जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अगर संसार भर में इसका प्रचार करना है, पृथ्वी इत्यादि यद नगर आदि ग्राम, अगर संसार के हर नगर और ग्राम में वास्तव में प्रचार करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में जाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथों इंग्लिश में किया, उसके बाद सारे उनके भक्त मिल गए प्रभुपाद के और 70-80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर डाला इंग्लिश के बाद भी। आजकल हर लैंग्वेज में समझ लीजिए गीता भागवतम अवेलेबल कर दिया, और अभी भी लोग लगे हुए हैं चाइनीज़, जापानीज़, पर्शियन, जिस जो भी लैंग्वेज, धीरे धीरे एक एक लैंग्वेज में जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आता जा रहा है, ताकि लोग इसका अध्ययन कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन ग्रंथों को खुद भी पढ़ें। स्वाध्याय कोई हमें बता रहा है, उससे हमें उसके कंक्लूजन्स मिलते हैं, जिसका फ़ायदा हम पिछले दो श्लोकों में सुन चुके हैं। हमें भी दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा स्वाध्यान होना चाहिए। मे बी किसी के अंडर हो रहा है, किसी के द्वारा गाइडेंस में हो रहा है, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमें पढ़ाया जाता था लेकिन हम पढ़ते थे इस प्रकार। तो हमें कोई समझा रहा है और हम समझ रहे हैं, हम खुद भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम खुद भी उसको पढ़ रहे हैं, तब कन्विक्शन ज़्यादा हो जाता है। हम किसी को बोल पाएंगे हाँ हमने वहाँ पर पढ़ा है, हमारे कंक्लूजन्स परंपरा से मैच होने चाहिए, उसके लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन इन ऑर्डर टू से दैट हाँ हमने पढ़ा है वहाँ पर लिखा है, जब तक हमने उसको हाँ, और ये बात भी सही है कि श्रवण भी पठन के बराबर ही है, यदि हम श्रवण भी करते हैं तो वो भी पठन के बराबर है, लेकिन पठन का अपना महत्व है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। तो सबसे पहले तो हमने कम से कम इसका प्रयास तो करें पढ़ने का। अध्ययन शब्द तो बड़ा गहरा शब्द है,
लेकिन कम से कम इसको हम पढ़ें। यदि हम पुस्तकों को बांटना चाहते हैं, यदि प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, हाँ तो ज़रूरी है। हम कई बार डिस्कस करते हैं, हमने भगवद गीता के इंट्रोडक्टरी प्रथम लेक्चर में भी यही बोला था कि जनरली लोग इसको लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं और इसकी आरती उतार देते हैं। तो हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि यदि हमारे दादाजी कोई लेटर लिख के गए थे, हमारे पिताजी कोई लेटर इंस्ट्रक्शन लिख के गए थे अपने अंतिम समय में, हमने उस चिट्ठी को बड़े अच्छे लाल कपड़े में रख के, मेरे पिताजी की आखिरी निशानी, कभी खोल के पढ़ा ही नहीं, तो हमारे पिताजी किस में ज़्यादा प्रसन्न होंगे, चिट्ठी को पढ़ने में या चिट्ठी की पूजा करने में? है ना, पढ़ने में डेफिनेटली। और फिर उसको टेक केयर भी करा जा सकता है, यस, उसको उसका अच्छे से रखा जाए ताकि उसको बार बार पढ़ा जा सके। लेकिन पढ़ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ना, लेकिन हमने पढ़ी नहीं। तो मोस्टली समस्या क्या है हमारे समाज में, मोस्टली समस्या ये आ गई है कि हम अपने ग्रंथों से दूर हो गए हैं। ऐसा लोगों ने मत बना लिया कि ये माइथोलॉजी है, इसलिए तो कहानियाँ हैं। कहानियाँ तो फिर टीवी सीरियल में आई जाती हैं, अलग अलग टीवी चैनल बना ही रहे हैं अलग अलग स्टोरीज़, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया 3D एंड 4D एंड 5D एंड पता नहीं कौन सा डायमेंशन से बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जो कि बस सारे महाभारत सारा रामायण एक तरह का एक थ्रिलर बन गया है। इसको अलग अलग करेक्टर्स के बढ़िया बढ़िया शक्ल सूरत मसल्स पावर को दिखाया जा रहा है, लेकिन जो उसका मर्म है वो हमें मिलेगा ऐसे शास्त्रों में जो भक्तों द्वारा लिखे गए हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। इन ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे साथ में, हमें श्रील प्रभुपाद के पर्पट पढ़ने चाहिए। हाउ टू रीड प्रभुपाद बुक्स, यू नो, कैसे हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों पढ़ने का जो तरीका है, एक होता है क्विक, एक होता है डीप एनालिसिस। तो एक तो हमें क्विक रन थ्रू कर देना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि इसमें है क्या। कई बार क्या होता है कि कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी, वो हम खो जाते हैं कि हम थे कहाँ। तो इसलिए एक ऊपर ऊपर का रन थ्रू हमने किया तो हमें समझ में आया। इसके लिए हम अक्सर समरी बोलते हैं, है ना, हम समरी पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। फिर हम डीप डाइव करते हैं। तो दोनों तरह का स्टडी ज़रूरी है जब हम पढ़ें किताबों को। तो हम एक तो समराइज़ करें कि कंक्लूजन्स क्या हैं इस चैप्टर के, इस भगवद गीता के, और फिर हम एक एक के अंदर डीप डाइव करें, एक एक के अंदर। तो उसको कहते हैं अध्ययन, एनालिसिस। सांख्य योग आपने सुना होगा, हम सुनते हैं कपिल भगवान ने अपनी माता देवती को ये सांख्य योग बताया। तो सांख्य योग, सांख्य इज एनालिटिकल स्टडी। जब हम स्टडी करें तो एनालिटिकल एनालिसिस करें। ये भगवान ने इस श्लोक से लेके इस श्लोक तक आत्मा के बारे में बताया, भगवान ने इस श्लोक से इस श्लोक तक कर्म के बारे में बताया, फिर भगवान ने यहाँ से यहाँ तक ये भक्ति योग बताया, फिर भगवान ने इस चैप्टर में ये कंक्लूड किया। दिस इज़ कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। बड़ा ज़रूरी है, खास तौर पे भगवद गीता जो कि बहुत रहस्यों को छुपाए बैठी है। तभी भगवान ने यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशो विधास्यति, परमम गुह्यम, टॉप सीक्रेट। इस सीक्रेट के अंदर जो सीक्रेट छुपे हुए हैं उसके लिए हमें स्वाध्याय, हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा अध्ययन है, ये जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, ये हमें गाइडेंस में करना चाहिए ताकि हमारे कंक्लूजन्स परंपरा के कंक्लूजन से मैच करें। इट इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ कोई PhD डिग्री लेने के लिए नहीं है, जहाँ पर आपकी रिसर्च मस्ट मस्ट रिवील समथिंग न्यू। आजकल की स्टडी का आधार क्या है, जब आप स्टडी करेंगे तो कुछ नया रिसर्च निकलनी चाहिए जो आज तक किसी ने ना करी हो। तो इस भाव से हम जब स्टडी करते हैं तो हम कुछ नया ही निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये कंक्लूजन तो उसने भी, भगवान का स्वरूप है, इस स्वरूप तो फिर सभी बोलते हैं, नहीं मैं बोलूँगा स्वरूप नहीं है, तभी तो मेरी स्टडी है, उसके ऊपर मैं स्टडी करूँगा। तो जस्ट बिकॉज हमें कुछ डिफरेंट निकालना है ताकि हमें ठप्पा मिल जाए डॉक्टरेट का, तो कई बार हम कुछ डिफरेंट कंक्लूजन निकालते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अध्ययन कीजिए, लेकिन गुरु परंपरा के अंतर्गत रह के कीजिए, उनके कंक्लूज। इसलिए श्रील प्रभुपाद के पर्पट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि भगवान के कहे हुए श्लोक उनका ट्रांसलेशन, उससे भी इंपॉर्टेंट है पर्पट्स, ताकि हमें गुरु परंपरा, क्योंकि यह एकदम क्या, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से मिलता है। ज्ञान परंपरा, भगवान बोलते हैं ये सूर्य देव को मैंने दिया था, उन्होंने इक्ष्वाकु को, मनु को, इस प्रकार से दिया, और कालांतर में ये भंग हो गया, तो इसको मैं दोबारा स्थापित करने के लिए आया हूँ। तो ये जो परंपरा द्वारा मिलता है, इसलिए परंपरा के कंक्लूजन्स हमारे अध्ययन के में बड़ा ज़रूरी है कि हम कोई अलग कंक्लूजन ना बना लें। ये हमें हमेशा ध्यान, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे किसी पेड़ से मैंगोज़ हमें किसी को देने हैं तो हम मैंगो को फेंक के नहीं देते हैं। यदि मैंगो को नीचे फेंक दिया, उस वाले ने उसको फेंक दिया, वो जब तक मैंगो मेरे हाथ में आएगा तब तक तो उसका हलवा बन चुका होगा। अगर मैंगो इंटैक्ट चाहिए सुंदर सा, तो हम हाथ हैंड टू हैंड देखते हैं। आप देखते हैं जब
कई बार बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट वाला रखता है, घास वास लगा के, कैसे एक एक को ऐसे रखता है जैसे आपने देखा हो, कभी देखना आप किसी फ्रूट वाले को अपना ठेला सजाते हुए, वो ऐसे लगता है जैसे हीरा उतार के रख रहा है, बड़े प्यार से रखेगा ऐसे ऐसे। हाँ, तभी वो एज इट इज़ कस्टमर तक पहुँचता है, फिर कस्टमर्स को एंजॉय, कस्टमर कहते नहीं यहाँ से दबा हुआ है नहीं चलेगा, वो बिकता नहीं हो। हाँ, तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि ज्ञान भी ऐसे दिया जाता है, बड़ी संभाल के, एज इट इज़ यहाँ से ये लीजिए, मैं धरोहर आपको दे रहा हूँ, फिर वो धरोहर आ जरा सा भी उसमें बीच में मिश्रण कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये अध्ययन, इसको कहते हैं अध्ययन फिर। तो इसलिए वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हम प्रभुपाद ने हमें अक्सर बताया कि बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में बुद्धि लगाने की आवश्यकता है कि भगवान की सेवा कैसे करी जाए। गीता भी, गीता पढ़ना भी बुद्धि योग है, भक्ति योग है, इसका मतलब वास्तव है गीता पढ़ना। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ज्ञान योग का मार्ग है, यदि वो प्रभुपाद की गीता पढ़ता है, प्रभुपाद के कंक्लूजन को मान लेता है, क्योंकि हर पर्पट में प्रभुपाद बताएंगे कि हमारे गीता का पर्पस क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कारो, और दूसरा कि सर्वधर्मान परित्यजे इत्यादि। तो कंक्लूजन्स को समझ रहा है वो, अपने जीवन में जप करना शुरू कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है। हाँ, तो फिर वो एक्चुअली में उसको हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है वो। हाँ, वो बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहा है, वो बुद्धि से, जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं, बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। ध्यान रखिए, समझिए इस बात को, कि बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। पूजा करना इन इटसेल्फ क्या है, भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम गीता को प्रभुपाद के तात्पर्यों के अनुसार पढ़ते हैं और जीवन में अपनाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान, हम ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति सिद्धांत से कहते थे कि स्मृति स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरेर भक्ति कल उत्पाद एव कल्पते, कि जो शास्त्रों को बिना पढ़े भावुक भक्ति करता है वो संसार में उत्पात मचा देता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है भक्ति योगियों के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम ज्ञान भी अर्जित करें, बट ये ज्ञान जो है ये बुद्धि से भगवान की सेवा है। आप इसको ज्ञान ही मत मान मान लीजिए, हम ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ हम भगवान की और विधियों को अपना रहे हैं जो भगवान ने गीता में बोली है, इसलिए बुद्धि से पूजा करता है। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, शुरू में भगवान ने बोला कि मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन, यानी कि भगवान इस डिक्लेयरिंग है, डिक्लेरेशन दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घोषित भगवान कौन थे, प्रति जाने नाम है भक्त है परमेश्वरी, भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र घोषित कर दो। तो घोषणा बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, हाँ, यानी कि भगवान बहुत सीरियस है इस मैटर पर कि हम इस पवित्र संवाद का अध्ययन करें, जैसा आपने हमने समझा, नॉट सिंपल रीडिंग, जस्ट रीडिंग 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 रीडिंग, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमने बोला क्विक एनालिसिस, डीप एनालिसिस, ये वो, हाँ, रिमेम्बरेंस, श्लोका रेसाइटेशन, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो, बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो हमारे, लेकिन हमारे तात्पर्य, हमारे निष्कर्ष आचार्यों के निष्कर्ष से मैच भी करने चाहिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।